श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इन्हां नूं मानता नहीं दिंदी, पर तुसीं सरकार दा खेड़ा छड के श्री अकाल तख्त दास साहब दी सरप्रस्ती चाहो, जिहदे उत्ते चिट्टा पीण दे अपने लगन चार्ज, जिहदे ते भुक्कियां दे चार्ज लगन। तीन दिन पहलां उत्थे नंगा नाच होया मर्यादा दा, फिर पजोखरा साहब गुरुद्वारे दे विच मीटिंग हो रही आ, उत्थे मावां भैणां दीआं गालां कढ़ियां जा रही, और एक दूए नूं जिदा जंग दा मैदान हुंदा इवें उत्थे सारा कीता गया। जिहड़े अज तक दूजियां नूं रल मिल के बैठण दी शिक्षा दिंदे सी, उहनां ने अज रल मिल के बैठ के जो उत्थे चंद चढ़ाया उह साडे सारिआं दे सामणे आ। हाले भी डोले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िआ, हाले भी मुड आपां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे फोल्ड विच आईए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले समय दौरान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मुंडले एक्ट दे विचों हरियाणा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उस वेले दी कांग्रेस सरकार ने होंद विच लियांदी, जिहदे बाबत इन्हें नवां एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया, और जिहदा पिछले समय दौरान सुप्रीम कोर्ट चों फैसला भी होया। जदों फैसला होया सी तद भी मैं ये गल कही सी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक सेंटर का एक्ट आ, इहदे नाल छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहीदी, पर सरकार दे उत्ते उस गल का कोई असर नहीं होया। जदकि मौजूदा समय दे विच सुप्रीम कोर्ट की एक दिल्ली बाबत जजमेंट भी आई सी, उहनूं भी सरकार ने सेंटर दे विच एक नवां नोटिफिकेशन करके एक्ट जिहड़ा वह इंट्रोड्यूस किया, जिहड़ा पार्लीमेंट के दोहां सदनां विचों पास भी हो चुका, तो वह भी इस तर्ज के उत्ते सी कि ये जिहड़ी इन्हां ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया सी उस फैसले नूं ओवरलैप करके वह एक्ट नवां जिहड़ा आ वह इंट्रोड्यूस हो गया। तो साडा अज भी तो उस वेले भी इक्को ही सगा कहना कि यह सेंट्रल एक्ट होने करके भावें सुप्रीम कोर्ट च फैसला हो चुका, पर फिर भी ये पार्लीमेंट जिहड़ी आ उसे प्रव्यू च आउंदा, तो ये उहदे अकॉर्डिंगली ये जिहड़ा प्रबंध आ श्रोमणी कमेटी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध हेठ ही रहन दिता जाए। उस तों बाद फिर हरियाणे की मौजूदा सरकार ने एक नवां काम कर दिता कि इन्हां ने एक कमेटी जिहड़ी नॉमीनेट करती, उस च प्रोविजन रखिया कि 18 महीने वह कमेटी जिहड़ी वर्क करेगी, जे 18 महीनों च भी इलैक्शन नहीं होंदी फिर वह 18 महीने फरदर एक होर कमेटी सरकार बना देगी, जिहड़ी एडहॉक कमेटी होगी तो उहदे मैंबर सारे सरकार नॉमीनेट करेगी, तो सरकार ने पिछले दिनों दे विच वह सारे नॉमीनेट भी करते 40 मैंबरी, उहदे विच प्रधान भी बनाते, जनरल सकत्तर भी बनाते, होर अहुदेदार भी बनाते। मैं तद भी यह पुरजोर अपील की सी, मेरिया मीटिंगा भी उत्थों दे जिहड़े लीडर हुण भावें वह किसी ढंग दे नाल मेरे नाल सहमत ना हुण, उस वेले सहमत हो गए सी कि भावें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इन्हां नूं मानता नहीं दिंदी, पर तुसीं सरकार दा खेड़ा छड के श्री अकाल तख्त दास साहब दी सरप्रस्ती चाहो। श्री अकाल तख्त साहब जो बणदा आदेश करके इस कमेटी बाबत अपना हुक्म जारी करनगे, पर हुण होया की कि एक दूए ते एडे पद्धर ते दूषणबाजी चली कि सिर जिहड़ा शर्म नाल झुक जांदा कि प्रधान जिहदे उत्ते चिट्टा पीण दे अपने लगन चार्ज, जिहदे ते भुक्कियां दे चार्ज लगन, ते फिर उस तों बाद हुण जो दो तीन दिन पहलां उत्थे नंगा नाच होया मर्यादा दा, पे पजोखरा साहब गुरुद्वारे दे विच मीटिंग हो रही आ, उत्थे मावां भैणां दीआं गालां कढ़ियां जा रही,
और एक दूए नू जिदा जंग का मैदान होंदा एवें उत्थे सारा किया गया। तो मैं समझदा ये सिखां दे विच इहो पिरत कदे भी नहीं सी कि सिख लड़दे सी असूलां ले सिधांतां ले, पर सिधांत छड के आपां बाहां टंग के भई आ जाओ बाहर देख लैने एक दूए नू ते गंदियां गालां कढ़णियां, मैं समझदा ये बहुत वड्डी मर्यादा का उलंघण आ। सिख पंथ हमेशा ही सरबत दे भले की गल करता ते हमेशा रल मिल के बैठण की गल करता। जेड़े अज तक दूजियां नू रल मिल के बैठण की शिक्षा दिंदे सी उन्होंने अज रल मिल के बैठ के जो उत्थे चंद चढ़ाया वो साडे सारयां दे सामने आ। मैं इहदी पुरजोर शब्दों विच निंदा भी करदा निखेधी भी करदा, ते मैं ये भी महसूस करदा कि हाले भी हरियाणे दे सिखां नू मैं बेनती करदा, उत्थे दे जिहड़े प्रबंध करता उन्हां नू भी बेनती करदा, हाले भी डोले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया, हाले भी मुड़ आपां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे फोल्ड विच आईए। ये क्योंकि वाहद सिखां दी सुप्रीम संस्था जिहदे विच तुसीं 102 101 साल लंबा समा जिहदे विच तुसीं रहे आ, अज तक इवें कदे भी नहीं सी होई जो हुण उत्थे वर्तारे वर्त रहे आ। क्योंकि गुरु घरां दे विच सरकार दा सीधा दखल अज तक कदे सिखां ने बर्दाश्त नहीं कीता। ये उहदा ही सिट्टा आ कि एक सरकारी धिर अपने आप नूं ते दोनों धिरां अपने आप नूं ये महसूस कर रही हैं भी असीं सरकार दे नाल आ, ते फिर भाई जे सरकारां दे नाल होंगे फिर सरकारां दा जो कराउंदियां होंदियां उह तुहाडे हो गया, वो आपां रल के उसे कर दिता सारयां ने। तो इस करके ये जिहड़ियां मैं समझदा अजिहियां कारवाइयां ये सिखां दे हितां विच नहीं, सिख सिर जोड़ के बैठ के गुरमते करते आ भावें जिड्डे मर्जी आपो विच ही बैर विरोध होण। आपां तां अपने पिछोकड़ तों बहुत कुछ लोकां नूं कहिंदे भई सिखो, पर सिखण दी बजाए आपां अज उहनां पिरतां नूं भी तोड़न ते आ गए आ। सो गुरु कृपा करे सारयां नूं समत बख्शिश करे कि मिल बैठ के मसले जिहड़े आ उह ढंग तरीके नाल हल करिए। अंत विच फिर हरियाणे दे सारयां सिखां नूं भी ते प्रबंधक कर्ता नूं भी बेनती करदा कि बहुत सोहना प्रबंध श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों चलता रहा और 12 मैंबर उत्थों चुन के आउंदे रहे आ। चलो जे कितें श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों तुसीं समझदे आ कि कताही होई आ, पर आ हुण तां जो कताइयां हो रहियां हुण तां उत्थे रण तत्ते दा मैदान ही बन गया। हुण तां जिद्दां उत्थे दम पाउंदे इक दूए नूं ते मैं समझदा वो बहुत चंगा नहीं गा। सो अंत दे विच मैं जिथे उस घटना की निखेधी भी करदा गुरु चरणा च अरदास भी करदा सतगुरु जी सारिया सिखां नूं मत बख्शिश कर तां कि मीटिंगां रौले रप्पे ना मुकण, मीटिंगां जिहड़ियां वो गुरु सिधांत दे हुक्म अनुसार पहरे अनुसार ही सारे जिहड़े उहदे उत्ते अपने पहरा देण। बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।